हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो गई थी तो इसलिए ये व्लॉग मैं जो एडिटिंग है वो बाद में कर रही हूँ। पूरा व्लॉग बनने के बाद ही एडिटिंग होती है तो मैं इसलिए आज व्लॉग ना डाल नहीं पाई, कल मिसिंग हो गया था तो आज जा रहा है ये व्लॉग। तो अब आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी, जो कि आलू पालक हरे धनिए की है, मैं बना रही हूँ और मैंने सबको दे दिए थे। आंसू भी खा रहे हैं, उनका ब्लॉग में नहीं लिया था मैंने। और यहाँ पर हमारी आर्या बेबी है, उसको भी थोड़ा सा दिया है। अभी वो क्या बोतल से दूध वगैरह पीती है, खाना बहुत कम ही खाती है और खिलाते भी नहीं है अभी थोड़ा सा, जैसे दाल का पानी है। कहते हैं 3 साल तक अन्न थोड़ा कम ही दो वो ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे की लीवर और किडनी पर असर पड़ता है अगर ज़्यादा खाना अगर टूट टूट के खिलाओ तो। अभी उसको सिर्फ दूध वगैरह ज़्यादा देते हैं और कभी जैसे साथ में खाना खाते हैं ना तो खिला भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि खिलाते नहीं। तो बस खा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमारी बहन भूखी प्यासी अभी नहा कर आई है। हम लोगों की आदत है कि हम नहाने के बाद ही खाते हैं, तो अभी भूखी प्यासी है। 0 साइज हो गया इनका भी, बच्चों को पालते पालते, बच्चों मतलब एक ही बच्चों को पालते, ये बच्चा 100 बच्चों के बराबर है। अब इसकी असलियत पता चली है, मुझे लगता है बड़ी सीधी महाशैतान बच्चा, महाशैतान बच्चा। नहीं, बहुत अच्छा है महाशैतान। नानी से चाबी लेके आना हमेशा। और मैं आपको पहले कैमरा साफ कर लूं, एक देर अब साफ देखो। आपको बताना चाहूंगी, नाश्ता पानी मेरा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ शयन करने के लिए, सोने के लिए। मम्मी कह रही देखो, यही तो मम्मी आराम है, सुख चैन तो मायके में ही है। क्यों? उसको पता चल गई ना, तुम उसकी मम्मी कुछ काम बता रही है तो वो जाएगी ना। खाना बांध रही थी सही से। गीता कल आई थी, मैं आप लोगों को बताऊं, गीता कल आई थी अपने हस्बैंड के साथ में, तो हमने ना आशू को रोक लिया था तो वो अब जा रहे हैं घर पर। नायशा मत खाओ, सर्दी हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, उनको रोक लिया तो मम्मी जी दे रही हैं पापा जी को खाना बनाकर, तो वही मम्मी कह रही थी कि बांध दे पैक कर दें अपने हिसाब से। ला मेरे पास छोड़ दे लली को ना, कोको दे, कोको हट बैठ रही है, कोको निकाल। देख कैसे देख रही मेरी तरफ बेबी, सुंदर सुंदर बेबी, बहुत प्यारा बेबी है हमारा ये। आ जाओ बेबी, बेबी क्या खा रहा है? संतरा खा रहा है मैं भी। बेबी संतरा खा रहा है। चलो लेट जाओ, सो जाओ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में लेकर आई हूँ ये 2 प्रोडक्ट हैं, जो कि आपको अभी ऐसे उल्टे दिखेंगे, मैं आपको बैक कैमरा करके पूरी डिटेल्स पे दूंगी। तो मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश है और हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, जो कि अभी जो ये समय चल रहा है ना, जैसे फरवरी के बाद का, उसके बाद जो हवा चलती है इससे हमारी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाता है और बहुत ज़्यादा स्किन में ना इचीनेस होने लगती है, तो उसी के लिए है ये मामा अर्थ का फेस वॉश और मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। तो हम क्या करते हैं, हमेशा DIY की तरफ भागते हैं कि चलो दही मलाई शहद ये सारी चीज़ें लगाएं, उससे क्या होता है समय बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आजकल हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, इतना समय हर किसी के पास में नहीं है मलाई बेसन वगैरह घोले, तो ये चीज़ें सेम इसके अंदर वही सारी चीज़ें, हनी भी है मलाई भी है, वैसा ही हमारे चेहरे पर रिजल्ट आता है। तो फेस वॉश है वो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, और इसमें है मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, जो कि हमारे स्किन पर लगाने के बाद में कोई भी चेहरे पर ऑयल ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल चिपचिपानेस नहीं दिखेगा। बस मैं आपको अभी इसका पूरा बैक कैमरा करके आपको पूरी डिटेल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बताने जा रही हूँ आपको हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर और फेस वॉश के बारे में, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, कोई पैराबिन नहीं है इसमें, कोई केमिकल नहीं है। जब आप इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो आता है, चमक आती है। तो और मैं आपको बताऊँ ना, जब आप इसको यूज़ करेंगे तब आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बताऊँ, मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना प्लास्टिक वो यूज़ करता है उससे कहीं ज़्यादा मेट्रिक टन वो रिसाइकिल कर देता है। तो इस समय मैं आपको लगा कर दिखा
दिखा रही हूँ चेहरे पर, बहुत अच्छे से बहुत लिटिल क्वांटिटी में इसको लेना होता है और बिल्कुल ना क्रीमी क्रीमी लगता है जब हम इसको लगाते हैं। लगाने के बाद आप खुद देखिएगा मेरे चेहरे पर कितना ज़्यादा निखार आया। और मैं आपको बताऊँ, ये मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको नायका, पर्पल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट आपको सारी जगह अवेलेबल हैं और उनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, मामा अर्थ ऐप पर भी आपको अवेलेबल हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी एक चीज़, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं IVZ2023 तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अगर मामा अर्थ से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपका लिंक जोड़ते हैं उनकी वेबसाइट से और आपके नाम का लगाते हैं एक ट्री। और मैं आपको बताऊँ, मामा अर्थ गुडनेस है और देख सकते हैं अभी मैंने फेस मॉइस्चराइजर लगाया, देख कितना अच्छा स्किन मेरा ग्लो कर रहा है। मैं अपनी आर्या बेबी को लेकर आई हूँ बाहर खिलाने के लिए। गीता नाश्ता कर रही हैं, आ जाओ। और यहाँ मैं देख रही हूँ छुई मुई का पौधा, जिसको छूते ही ये अभी बंद हो जाएगा। इसको पता है बचपन में बड़ा छूते थे, बड़ा मज़ा आता था। देखो ऐसे, देखो छूते से ही मुरझा जाते हैं। नाइशू बेबी क्या कर रहा है आर्या बेबी, अरे क्या कर रहा है बड़ा बेबी, हटा दिया, बंद कर दिया, आजा आजा ढिलन, ओ ढिलन बिलुआ नमस्ते। आ गई है काफी तेज आंधी बारिश, अरे बाप रे। मम्मी बता रही कि सारी फसल खराब हो जाएगी अब गेहूं की। बंदर भगा रहा है। मैं नायशा का ये लेने आई हूँ क्योंकि ठंडा है मौसम, पहना दूँ उसको। अम्मी आंधी आ गई, उड़ जाओगी। हाँ मत जाओ जल चढ़ा, बहुत तेज आंधी आई है। गीता देवी क्या कर रही हो, देख एक घंटा खिला लो मैंने तेरी लली को। देख जी क्या कर रहे हो तुम, तेने किचन में करो का है जो, देख किसने? देख ब्लाउज का कैसे कपड़ा ऊपर लगा। मम्मी को काम ऐसा ही है गीता। हाँ राम देख 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 तेरी लली क्या कर रही, देख पूरा सॉस फैला है तो जाने। ले ले ना। अरे भैया रे आर्या तुम क्या कर रही हो, देख गीता डंडा लेके कह रही है चलो 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 बाय बाय आसू जी, बता रहा हूँ मैं छोड़ना मत बिल्कुल भी, नहीं तो आंवला ऐसा आ जाऊंगा मैं।